थोड़ी बहुत गंदगी और हौचपौच के साथ मैं लेकर आया हूँ ओल्ड टाटा पंच और न्यू टाटा पंच आपके लिए। फिलहाल ये दो डिफरेंट कलर में है, पर समझने के लिए थोड़ा आसानी होगा। दो डिफरेंट वेरिएंट में है, पर फिर भी समझने के लिए थोड़ा आसानी होगा, क्योंकि मेरा मेन प्रायोरिटी टर्म है सिर्फ आपको डिज़ाइन एलिमेंट समझा देता हूँ। तो पहले पुराने पंच की तरफ जाएँ, तो ऑफकोर्स ये निचला मॉडल है, बहुत सारे लोग प्रेफर करते हैं। तो यहाँ पर आपको सिंपल हैलोजन लैम्प्स मिलते थे और इंडिकेटर भी आपको बल्ब पैटर्न में मिलता था, बट द बेस्ट पार्ट है इसकी बीच का जो पार्ट था ये पियानो ब्लैक फिनिश में मिलता था, जो फ्रंट ग्रिल है। वहीं पर यहाँ पर इलेक्ट्रिक सेगमेंट के आप देखें तो ये पूरी तरीके से DRL जॉइनिंग के साथ मिलेगा, विच इज़ द बेस्ट पार्ट फॉर दिस व्हीकल। पर हाँ, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि जब ये आपका नॉर्मल पेट्रोल में आएगा तो क्या डिफरेंस होगा। सेम टाटा नेक्सॉन की तरह साइड में आपको DRL जलता हुआ मिलेगा, और वहीं पर जैसे ये वाला भाग देख रहे होंगे तो ये मिसिंग होगा, ये आपको टॉप मॉडल में मिलेगा, जैसे टाटा नेक्सॉन के नॉर्मल पेट्रोल और आप कह सकते हैं कि व्हाट वी कॉल दैट इलेक्ट्रिक में मिलता है। वहीं पर सामने के लुक डिज़ाइन पे वो सिंपल सा बोरिंग सा हैलोजन के साथ अगर प्रोजेक्टर पे मिलता था वो डिज़ाइन थोड़ा सा शांत लगता था, यहाँ पर बहुत ही गजब दिया गया है। टाटा सफारी हो गया, टाटा हैरियर हो गया, ये पैटर्न यहाँ पर जैसे सफारी लिखा रहता है वैसी तीन पैटर्न में डिवाइड करने के बाद ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है, प्रोजेक्शन भी काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। थोड़ा सा बल्कियर इसलिए भी लगता है क्योंकि सामने का भाग में अब थोड़ा सा बम्फर मजबूत लगता है, वहीं पर ये पुराने वाले जो टाटा पंच में थोड़ा सा वो शांत लगता था, बट मुझे ये ट्रायर डिज़ाइन थोड़ा सा बेहतर लगता था। वहीं पर यहाँ पर सिंपल लाइनिंग है, होप सो जब टाटा पंच आएगा तो शायद ट्रायर डिज़ाइन के साथ में मिल सकता है। साइड के लुक आप देख रहे होंगे तो ज़्यादा कुछ ऐसा डिफरेंस नहीं है, सेम बॉडी स्ट्रक्चर है तो सब वैसे ही मिलता है। यहाँ पर फिलहाल EV लिखा हुआ है, और जब भी टाटा पंच का नॉर्मल पेट्रोल आएगा तो वहाँ पर ये चीज़ें मिसिंग होगी। एंड ऑफकोर्स इसमें 195/60 R16 inch के कुछ इस प्रकार के व्हील सेटअप मिल जाते हैं। साइड में जो मिरर है वो आपको पियानो ब्लैक फिनिश मिलेगा, और यहाँ पर अब हर गाड़ियों में लिखा रहता है सेलिब्रेटिंग 25 ईयर्स 50 लाख कार्स 1998 से 2023 तक। बैक के लुक के बारे में बात करूँ तो वही एज इट इज़ सेम है, ज़्यादा कोई ऐसा चेंजेस नहीं है, क्योंकि आप जैसे देख रहे होंगे वहाँ पर सेम टायर एरो डिज़ाइन और यहाँ भी सेम टायर डिज़ाइन का बैक लैम्प है, सेम हम्प है, सेम स्ट्रक्चर है, कुछ भी चेंजेस नहीं है। पर वहीं पर जैसे देख रहे होंगे यहाँ पर सेंटर में थोड़ा सा पार्ट में शायद कुछ डिफरेंस ला सकते हैं। टाटा पंच EV लिखा हुआ है ये ब्लैक में, और यहाँ पर सिंपल क्रोम में पंच लिखा हुआ है। पीछे जैसे बम्फर देख रहे होंगे तो वो कुछ ऐसा है, और यहाँ पर थोड़ा सा ऑफकोर्स टॉप मॉडल है तो ये एनहेंस लग रहा है, पर ऑलमोस्ट आपको सेम मिल जाएगा। सो ये था एक प्रॉपर कंक्लूजन। सामने का पैटर्न बहुत ज़्यादा चेंज हुआ है, क्योंकि टाटा नेक्सॉन के आप इलेक्ट्रिक या उसकी प्रीवियस सेगमेंट की गाड़ियों में देख रहे होंगे तो वो बहुत ही ज़्यादा एक अपग्रेडेड फॉर्म पे है। होप सो टाटा पंच भी जब लाएगा तो वो काफ़ी अच्छा दिखेगा, क्योंकि वहीं पर जैसे नेक्सॉन देख रहा होंगे ना तो ये पुराना में एज इट इज़ बोरिंग लगता था, और जो न्यू नेक्सॉन पेट्रोल आया है जो ऑलमोस्ट इलेक्ट्रिक का एक कॉपियर वर्जन है तो वो कुछ ऐसा दिखता है, जिसमें सामने का आप देख रहे होंगे तो DRL के साथ वो कुछ ऐसा दिखेगा, जिसमें साइड DRL है जो भी पंच में भी प्रोवाइड कराएगा, जैसे मैं बताना आपको चाह रहा हूँ। सो ये क्विक ग्लैंस, आपको कैसा लगा इस टाटा पंच के कंपैरिजन? होप सो ये जल्दी आए, और कितने लोग वो इंतज़ार कर रहे हैं प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन।